स्वादिष्ट बनती है। आप जो भी चीज़ यूज करते हैं, जैसे रिफाइंड यूज करते हैं, ऑयल मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, नारियल ऑयल यूज करते हैं, तो आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन घी दाल को हमेशा देसी घी में बनाइए, उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। तो लीजिए, हमने अपना ऑयल डाल लिया है, उसे गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद उसमें जीरा डालें। जीरा भुनने के बाद आपने जो अदरक और लहसुन डाले हैं, काटे हैं, वो उसमें डाल दें। उन्हें अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आप उनमें प्याज भून लें और गैस को फुल रखें, क्योंकि प्याज सीखने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए आप गैस को फुल रखें ताकि आपका प्याज जल्दी सीख जाए। और
जब आपका प्याज लाइट ब्राउन रंग का हो जाए तब आप इसे, जब आपका प्याज लाइट ब्राउन रंग का हो जाए तब इसमें आप टमाटर डालें। चुका है, अब हम इसमें अपने प्याज और जो कटे हुए टमाटर हैं और कटी हुई हरी मिर्ची है वो इसमें अवश्य डालें। मिर्ची एक फ्रेश लें, क्योंकि मिर्ची बिना सब्जी में या दाल में चटपटापन नहीं आता, तो ग्रीन मिर्ची ज़रूर डालें। ये देखिए हमारा प्याज सीख चुका है, आप भी इसी तरह से अपना प्याज सेकें, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आपका तड़का ही कच्चा रह जाए, यानी कि छोंक में जो डाली जाने वाली चीज़ें हैं वे कच्ची रह जाएंगी तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा, तो प्लीज़ आप पहले अपने प्याज को अच्छी तरह से भूनें। जब आपका प्याज अच्छी तरह से भून जाए तब आप इसमें टमाटर हरी मिर्च डालें और उन्हें भी अच्छी तरह से भूनते रहें। ये देखिए हमारा लाइट ब्राउन रंग का प्याज हो चुका है। हम अब इसमें क्या अपना कटा हुआ टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर डाल देंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से भूनते रहेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सिक जाए और हमारी जो दाल बनेगी वो टेस्टी और चटपटी बने, स्वादिष्ट बने। ये दाल आप किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं। आप इस दाल को होटल जैसी दाल की तरह स्वाद पाएंगे। इस दाल का स्वाद आपको होटल जैसा लगेगा। आप इसी तरीके से अपनी दाल को बना कर देखिएगा जैसे हमने बताई है। अब हमने टमाटर डाल दिया है और उसे भी हम मैश करेंगे। अगर आपको नमक दाल में उबालते टाइम, दाल को उबालते टाइम जब नमक डालते हैं वो कम डाला है तो थोड़ा सा और नमक डाल लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नमक तेज खाना पसंद करते हैं, मिर्ची तेज खाना पसंद करते हैं, तो हम दाल में दाल को नमक दे के उबालते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा, आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा काला नमक और गिर लीजिएगा ताकि आपकी सब्ज़ी टेस्टी और आपके हिसाब से टेस्टी और स्वादिष्ट बने। ये देखिए हमने हमारा जो टमाटर था वो इसमें डाला है और अब हम इसे भून रहे हैं। अगर हम सब्जी को बड़े प्यार से और सरल भाव से बनाते हैं तो इस सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपना जब भी कोई भी भोजन बनाएं, कोई भी सब्ज़ी या कोई भी भोजन बनाएं, तो आप अपना नेचर सदा ठंडा रखें, प्रेम से खाना बनाएं ताकि लोगों को आपके हाथ का स्वाद पता चले। तो लीजिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। हमने इस तड़के में हल्दी नहीं डालनी है क्योंकि हल्दी हम पहले दाल में उबाल चुके हैं। ये आप इसी तरह से इसमें हल्दी नहीं डालें। मिर्ची उतनी ही डालें जितनी आप खाना पसंद करते हैं। लाल मिर्ची पाउडर भी उतना ही डालें जितनी आपको पसंद है। कम खाएं तो कम डालें, ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा डालें। अब आप इसमें धनिया पाउडर डालें, जीरा पाउडर डालें और गर्म मसाला डालें। ये सब डालकर आप इन्हें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। आप भी इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप गैस को मीडियम कर लें और आपने जो दाल को उबाला है, जो आपके कुकर में आपने दाल उबाली है, ये देखिए हमने पीली दाल है जो मूंग की, उसे उबाला है। आप भी इसी तरह से उबालें और अब इस दाल को हम इस पैन के अंदर डाल देंगे, यानी कि जो छोंक हमने भुना उसके अंदर हम इसे डाल देंगे और
हमारी दाल होटल जैसी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इसी तरह से आप अपनी दाल को बनाकर देखिए और खाकर देखिए।